नगर निगम चुनाव के बाद सभी पार्षदों ने शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद सभापति चुनाव। सभापति का चुनाव कलेक्टर आशीष सिंह ने संपन्न कराया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बड़ी बहन लगातार छठी बार पार्षद चुनी गई कलावती यादव को 39 वोट प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से गब्बर कुवाल को सभापति प्रत्याशी बनाया गया था, जिन्हें 16 वोट प्राप्त हुए। इसके अनुसार कलावती यादव को निगम का नया सभापति बनाया गया है। वहीं अपील समिति में नीलम कालरा, पंकज चौधरी और गजेंद्र हिरवे को सदस्य बनाया गया है। सभापति का चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी बीजेपी पार्षद नगर निगम में से भाजपा कार्यालय तक जुलूस के रूप में भी निकले। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, संगठन मंत्री नित्यानंद जी और जैन के हमारे वरिष्ठ नेता विवेक शर्मा जी, विवेक जोशी जी, महापौर जी और हमारे जो विधायक हैं उनके पारस जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। और सभापति का चुनाव आज हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूंजी से अधिक पूंजी प्राप्त हुई है। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का विश्वास है। सबका साथ सबका विकास जो हमारा है निश्चित रूप से इसका प्रतीक है। और हम निश्चित रूप से जो दायित्व तो मुझे दिया है, बड़ी जिम्मेदारी है, ये पद जिम्मेदारी का है, संवैधानिक पद है और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम उज्जैन के हित में, नगर निगम की संस्था के हित में और सभी जनप्रतिनिधियों को मतलब एक समान देखते हैं उज्जैन के विकास में। ठीक है, उज्जैन नगर निगम हेतु अभी अभी संपादित करी गई है और 39 मतों के साथ में श्रीमती कलावती यादव विजयी घोषित हुई हैं और जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको 16 मत प्राप्त हुए हैं। जो अपील समिति के चारों सदस्य थे वो निर्विरोध चारों के चारों निर्वाचित हुए हैं। आगामी 13 से 15 अगस्त को मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने महापौर सहित सभी निर्वाचित पार्षदों को तिरंगा झंडा विक्रय किया। कलेक्टर ने कहा कि मुफ्त की चीजें की कोई कदर नहीं होती है, इसलिए सभी झंडे को क्रय करेंगे। सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने सहमति देते हुए कलेक्टर उज्जैन के हाथों झंडा खरीदा। हालांकि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था, सभी ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार तिरंगे का मूल्य दिया। महापौर जी, महापौर जी, हमारे आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर जो तिरंगा अभियान हमारा चल रहा है, तो आज हमने सदन के अंदर हमने ध्वज लिए हैं और कल हम एक अभियान चला करके बाबा महाकालेश्वर मंदिर से लेकर के सारे सवारी मार्ग पर ध्वज लगवाने का काम करेंगे। सारे पार्षद साथियों से मैं आह्वान करूंगा। अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान जो 13 अगस्त से शुरू होना है, 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा लगाना है और इसके लिए जो तिरंगा है वो ऐसी हमारी अपेक्षा है कि सभी के द्वारा क्रय किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ फ्री में देते हैं, फ्री में कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू लोग नहीं करते हैं। और तिरंगा हमारा देशभक्ति का, देश प्रेम का, आज़ादी का और आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों का प्रतीक है, इसलिए उसकी कीमत भी सबको जाननी चाहिए। और इसी प्रक्रिया में आज मेरे द्वारा और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो महापौर जी हैं नवनिर्वाचित और जितने भी हमारे पार्षदगण हैं सभापति हेतु जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर अच्छा एक जश्न दिखाते हुए झंडों को क्रय किया गया है, तिरंगा क्रय करने का कार्य किया गया है। मेरे और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा उनको जो नगर निगम की तरफ से विक्रय केंद्र बनाया गया है वहां से लेते हुए उनको दिया गया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो पूरे उज्जैन नगर निगम में जाएगा और इसी को आगे बढ़ाते हुए सभी पार्षदगणों के द्वारा, महापौर जी के द्वारा, सभापति जी के द्वारा, न केवल अपने घरों पे अपनी टीम के द्वारा बल्कि प्रत्येक उज्जैन नगर निगम के घर पर तिरंगा फहराने का कार्य 13 से 15 अगस्त के रूप में के बीच में किया जाएगा। धरनखेड़ी इंगोरिया से महाकालेश्वर मंदिर जल चढ़ाने आए कावड़ यात्री की ट्रैक्टर ट्रॉली से दर्शन करने के बाद लौटते समय दूध के टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। घटना इंगोरिया पेट्रोल पंप के पास हुई है, जिसमें एक यात्री को गंभीर चोट के तहत इंदौर रेफर किया गया है, जिसका नाम घनश्याम सिंह, पिता बलवान सिंह, उम्र 52 वर्ष है। Thank you.
बीमो लाइसेंस लेने गंगर सिंह की कांवड़ यात्रा लेके धरनगेड़े गांव से मांकलेश्वर उज्जैन आए थे। तो जब देर रात में 12 बजे के करीब घर आ रहे थे और रिंगोरिया के पास में मतलब ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दिया, उसमें जो 7-8 लोग घायल हुए हैं। मतलब कौन कौन ठीक क्या है वो यशपाल सिंह है उसमें, और डूंगर सिंह जी, अर्जुन सिंह जी और राम सिंह जी वगैरह, और एक आदमी को घनश्याम सिंह जी को इंदौर रेफर करा गया। कल के दर्शन मंदिर के दर्शन करके घर जा रहे थे ट्रैक्टर से, अचानक पीछे से एक टैंकर ट्रक वाला उसने जोर से धक्का मारा और इसमें सब गिर गए, उसमें लग गई 6-7 जने को अच्छी खासी लग गई। शिवराज पिता राजेश सिंह उम्र 18 वर्ष ग्राम डेलची माकड़ोन नगर परिषद वार्ड 5 निवासी डेलची गांव के पास खेत पर विवाद हुआ। 1 बीघा जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर सोयाबीन को नष्ट किया। आरोपी भैरव सिंह पिता हरि सिंह, नरेंद्र सिंह, अंकित सिंह, गजेंद्र सिंह पिता महिपाल ने जब फरियादी जब वीडियो बना रहे थे तभी प्राइवेट टीचर वीरेंद्र सिंह ने हाथ से मोबाइल छीनकर पत्थर के ऊपर तोड़ दिया एवं शिवराज सिंह के साथ मारपीट की। मारपीट में हाथ और पैर में चोट आई है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे की यह पूरी घटना। निजी खेत पर मेरे 1 बीघा फसल पर मेरे परिवार वाले उस फसल को बर्बाद कर रहे थे, इसलिए मैं घटनास्थल पर पहुंचा और वहां पर जाकर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसमें वीडियो बनाकर वीरेंद्र सिंह पिता दुल्हे सिंह ने मेरे हाथों में से मोबाइल छुड़ाकर मेरा मोबाइल फोड़ दिया और 7 जनों ने मेरे को मिलकर मारा पीटा। वीडियो बन गई थी, ट्रैक्टर चलाया इस कारण मेरा मोबाइल फोड़ दिया गया है और मेरी एक बीघा की फसल बर्बाद कर दी गई है ट्रैक्टर से, और मेरा जिसमें मेरा मारने पर मेरे मारपीट पर मेरा हाथ टूट गया और हड्डी क्रैक हो गई है पांव की।